Hey friends, I'm Anamika and welcome to my channel Anna's Recipes. Friends, aaj ki special recipe hai Oreo cupcake aur ye hum banayenge ek bahut hi easy aur bahut hi tasty ganache ke sath. Ye hogi buttercream ganache jo hum ghar pe hi banayenge. Friends, is cupcake ki khaas baat ye hai ki isme hum koi butter koi oil use नहीं करेंगे. इसे हम बनाएंगे मलाई के साथ. बहुत थोड़ी सी मलाई लेंगे हम और उससे बनाएंगे और इस मलाई से जो ये कपकेक बनके रेडी होगा फ्रेंड्स, ये इतना मॉइस्ट है कि आपके मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा. आप इसे ज़रूर ट्राई करिए. तो आइए देखिए, ये बहुत ही मॉइस्ट बहुत ही स्पॉन्जी बटरक्रीम आइसिंग के साथ ओरियो कपकेक कैसे बनाते हैं. Friends, to subscribe my channel, click on the subscribe button and please, please do not forget to hit the bell button so that you get the notification of all the recipes. फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये ओरियो बिस्किट्स लिए हैं. मैं इनके बिस्किट्स अलग कर देती हूँ, इनमें से क्रीम सेपरेट करके एक अलग से बोल में रख देती हूँ. मैंने करीब डेढ़ पैकेट ओरियो बिस्किट्स का लिया है, इसकी क्रीम मैं सेपरेट कर देती हूँ और फिर मैं इन बिस्किट्स को मिक्सी में पीस लूंगी. ये देखिए, बिस्किट्स और क्रीम अलग हो गई है. अब मैं इन बिस्किट को पीस लेती हूँ. इसका मैंने एक फाइन मिक्सचर बना लिया है मिक्सी में. एक कप मिक्सचर है ये बिस्किट का. ये आधा कप होल व्हीट फ्लावर है, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं. 2 से 3 चम्मच चीनी है पिसी हुई. 3/4 कप बेकिंग पाउडर. 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा. इसको इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देते हैं. ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है. अब वेट इंग्रेडिएंट्स लेते हैं. ये है हमारे मेजर इंग्रेडिएंट, 1/2 कप मलाई और 1/2 कप दूध, थोड़ा सा वेनिला एसेंस. और अब इस मिक्सचर को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ अपने हैंड ब्लेंडर से. अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में मिला देते हैं. चम्मच से एक बार मिक्स करने के बाद फिर विस्कर से आप इसे विस्क कीजिए और स्मूथ बैटर बना लीजिए. अगर आपको दूध की जरूरत पड़े तो 2-3 चम्मच आप दूध डाल सकते हैं. अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा सा थिक हो रहा है, 2-3 चम्मच दूध डाल दीजिए. और 3 से 4 मिनट तक लगातार इसे चलाते हुए एक स्मूथ बैटर बना देते हैं. ये देखिए, एकदम रेडी है हमारा बैटर. अब कुछ सिलिकॉन मोल्ड्स को मैं ब्रश कर देती हूँ बटर से. हल्का सा बटर लगा दिया है और इस बैटर को मैं सिलिकॉन मोल्ड्स में डाल देती हूँ. करीब 3/4 कप फिल कर लेंगे इन्हें. आप वैसे सिलिकॉन मोल्ड्स में ग्रीस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ग्रीस कर लिया है ताकि ये बहुत आराम से निकल जाए, क्योंकि ये मलाई के वजह से बहुत सॉफ्ट बनने वाले हैं. ये देखिए, मैंने तीनों मोल्ड्स में डाल दिया है. अब करेंगे इसे बेक. ये देखिए, मेरा इडली कुकर जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इसमें मैंने नमक डाल दिया है और एक स्टैंड में इनको रख दिया है और इसे मैं सिम गैस पे चढ़ा दूंगी करीब 15 से 20 मिनट के लिए. इसकी आइसिंग बनाते हैं. लेते हैं थोड़ा सा मेल्टेड बटर, रूम टेम्परेचर बटर, और जो क्रीम थी बिस्किट की वो इसमें मिक्स कर दी है. मिला देते हैं 2 से 3 चम्मच पिसी हुई चीनी और अच्छे से इसको ब्लेंड करना है. थोड़ा सा दूध मिला के इसे एक फाइन मिक्सचर बना लेंगे. हम बना रहे हैं अपने कपकेक्स का ग्लेस. धीरे धीरे इस मिक्सचर में हम चीनी मिलाएंगे और दूध मिलाएंगे और एक फाइन ग्लेस हम तैयार कर लेंगे. चीनी एक बार में नहीं मिलानी है हमें, धीरे धीरे करके मिलानी है. थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाल देते हैं. बची हुई चीनी भी मिला ली हमने और इसे हम चलाएंगे करीब 5 से 7 मिनट, जब तक एक स्मूथ पैटर्न ना बन जाए. ये देखिए, स्टिफ पीक्स हो गई हैं.
चेक कर लेते हैं अपने कपकेक्स एकदम रेडी है, टूथपिक पे नहीं चिपक रहे हैं, इन्हें डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से डीमोल्ड हो रहे हैं और ये बहुत सॉफ्ट और बहुत स्पंजी है। ये देखिए कितने स्पंजी बने हैं। आइए एक पॉलिथिन में डाल देते हैं अपने आइसिंग को, इसकी नोजल काट लेते हैं और ऊपर से अपनी बटर क्रीम आइसिंग को इस पे डाल देते हैं। ये देखिए हमारे चॉकलेट कपकेक्स पे ये है हमारी खूबसूरत बटरक्रीम आइसिंग। डेकोरेट कर देते हैं कुछ ओरियो बिस्किट के पीसेस से, आप चाहे तो चॉकलेट भी डाल सकते हैं ऊपर से। और ये हमारे चॉकलेट कपकेक्स विद आइसिंग, बटरक्रीम आइसिंग जो हमने घर पे बनाई है, एकदम रेडी है।